कि भाभियों ने मंगवाया सच्चे मोतियों का जोड़ा। ठीक है जाऊं? जाओ। तो चंद्रगुप्त जहाज में सवार होकर के संगलदीप में पहुंच जाता है और धर्मपुर शहर में जाकर के जहाज को रोक दिया। अब धर्मपुर शहर में जो यहां से माल ले गया था वो बिक्री कर दिया, वहां से जो माल खरीदना था वो खरीद करके जहाज में लदवा दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त ने विचार किया कि अब व्यापार का काम तो हो लिया, परिवार वाला काम बाकी है वो करूं। अब बाजार में जाता है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों से पूछता है कि जी सच्चे मोतियों का जोड़ा और लाल मिलेगा? नहीं जी, आगे जाओ। अगली गद्दी पर गया, अजी मोतियों का जोड़ा और लाल मिलेगा? नहीं जी, आगे जाओ। अगली गद्दी पर गया, अजी मोतियों का जोड़ा और लाल मिलेगा? नहीं जी, आगे जाओ। अब फिरते फिरते पूरे शहर में बाजार में दो दो बार फिर लिया, पर किसी साहूकार ने ये नहीं कहा कि ये सौदा मेरे पास मिलेगा। क्यों? वहां का रिवाज था एक, ये दोनों चीज जो चंद्रगुप्त मांग रहा था ये दोनों चीज वहां मिलती तो थी पर बिक्री में नहीं, वहां शादी के उत्सव में मिलती थी, विवाह में। और विवाह में भी कब मिलती थी, कैसे? कि जब वैवाहिक कार्यक्रम होता है और जब दामाद को पहला तिलक जो होता है उसे जवारी कहते हैं, तो सासू अपने दामाद को तिलक करके पहला तिलक और लाल देती है। और सच्चे मोती जब देवा कागजा फेरा वहां पाछे और वह छंद छुंद कहें, जब वो साड़ा इली वगैरह, वो सच्चे मोतियों का जोड़ा दे। अब साहूकार लोग ये बात सुनकर के क्रोध में तो आते हैं, पर विचार किया कोई अनजान है, परदेशी है जाने। अब दोनों चीज नहीं मिली, उदास हो गया, निराश हो गया, शहर से बाहर निकल लिया कि भाई बिना चीज लिए घर चलूंगा तो माँ तो चाहे कुछ भी ना कहे पर भाभी नहीं जीवन देंगी। 12 साल से जो तेरे कहने के अनुसार तेरा खाना पीना नहाना सोना बैठना सब कुछ तेरे कथन के अनुसार होता है, आज उनने एक छोटी सी बात कही, वो भी तू नहीं लेके चलेगा, बिना करे चलेगा तो जीवन को तेरे को धिक्कार है। चंद्रगुप्त हताश निराश उदास हुआ, शहर से बाहर निकल जाता है। विचार किया अब घर नहीं जाऊंगा, ये शहर से बाहर कुआ है, इस कुएं में गिर करके जीवन लीला यहीं पर समाप्त करूंगा। अब कुएं की तरफ गया तो कुएं के पास एक महात्मा थे, महात्मा की नजर पड़ गई। महात्मा जी आवाज देते हैं, रहो बच्चे यहां आओ। बस जल्दबाजी का काम करने वाले को बहुत भय होता है, कोई भी जरा सा टिटोका या कोई भी आहट या कोई भी संकेत हो जाता है तो झिझकना पड़ता है। चंद्रगुप्त वहीं रुक गया, महात्मा ने कहा बच्चे यहां। महात्मा के पास गया, बाबा नारायण नारायण। अरे निबला कुएं की तरफ क्या कर रहा था? निबला बाबा कुएं में तुम्हें गिर रहा था। गिर रहा था? हाँ, क्यों? बोल बाबा बस मैं जीना नहीं चाहता। अरे वाह मूर्ख, तू तो पागल है, नौजवान होकर के कुएं में गिरना चाहता था? तेरे को पता आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है और आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है, तू ये पाप क्यों कर रहा है? क्या बात है? निबला बाबा मैं मेरी जिंदगी में पहली बार प्रदेश में आया और पहली बार
मेरे घर वालों ने कोई चीज मंगवाई, वो चीज इस शहर में ना मिली, तो मैं लाचार हो गया बाबा, बिना चीज लिए मैं घर नहीं जाऊंगा। इसलिए बाबा मैं तो जीवन लीला यही समाप्त करने का इरादा लेकर के आया हूँ। बेटे तेरे घर वालों ने क्या मंगवाया है? चंद्रगुप्त ने दोनों बात बताई, बाबा एक लाल और सच्चे मोती। महात्मा समझदार थे, महात्मा जी वहां के रीति रिवाज को जानते थे। बोला अरे तू पागल है क्या बाबा? क्यों? अरे नहीं बोला ये यहाँ दोनों चीज मोल नहीं मिलती है, तेरे साथ किसी ने मजाक कर दी, ये दोनों चीज मिलती तो है पर तू ठीक रहा। इतने में ही तेरे को नाट नाट करके लोगों ने बाहर कर दिया, नहीं तो तू पिटता भी साथ। बाबा क्यों? अरे नहीं बोला क्यों क्या, और बात भी सही है, कोई सहम दहम आके नू कभी रुपया गिलास मिलेगा कितने, तो रुपया गिलास तो पैरावणी में मिला करे, तो फिर तो पिटने का काम। महात्मा कहते हैं बेटे ये चीज नहीं मांग रहा था तू, तू तो जबरदस्ती किसी की लड़की की शादी करवा रहा था अपने साथ, ये ठीक रहा? वो जो भी साहूकार थे समझदार थे, तेरे को टाल दिया। बेटे दोनों चीज मोल नहीं मिलती यहाँ, शादी में मिलती है वो भी बड़े साहूकारों के, छोटे के बस की बात नहीं। तो उसी दिन वही बात है कि विधि का विधान अटल होता है। उसी दिन उसी शहर धर्मपुर में एक बहुत भारी सेठ, बड़े पूंजीपति धर्मपाल सेठ की लड़की की शादी थी, सेठ की लड़की का नाम धर्ममाल की, पर बींद कैचा काना कुबड़ा चेचक के दाग और रंग भी कलर भी फेड हो रहा। अब एक में ही सारा गुण देखा, जब वो गोरवा लेके आए, जब पंडित जी ने लड़ी हटाई शेर आड़ी, और जब वो तिलक करण कातरा आगा हाथ करया, जब उल्टा हाथ कर लिया, जब लाला जी गैल ने बैठा था, नहीं बोले हैं दादा सुन सामन कंवर जी के तिलक करो उल्टा हाथ क्यों करया, नहीं बोले देख भाई लाला जी हमने जो लड़का देखा था ना वो तो सह नहीं, लड़की तेरी है और मर्जी भी तेरी है, अगली गाड़ी डिपर मार रीज है, तू कहे तो काम न कर दू, नहीं तो भाई मैं तो मेरी तरफ से नहीं कर सकता। निमला है दादा जब लड़का बदल लिया तो रिश्ता की टाड़, तो लड़की आड़ा का और ग्राहक का इतना ही मनोहर है। अब गोरवा वापिस लेके आ गए, इसका रिश्ता नहीं करेंगे हम। अब गोरवा ही नहीं बींद नहीं जचा, जब बरात न कुण पकौड़ा की पूछे, अब बराती भूखे प्यासे इधर उधर फिरते हैं, और पांच सात बराती महात्मा का आश्रम पर चला गया, और वहां चंद्रगुप्त बैठा देखा, तो बराती बतलाए नहीं बोला भाई अपन लकानिया का भरोसा तो किम गण गण होना, तो नहीं बोला रात रात खातर यो छोरा बींद बन जाना, तो भाई सेठ के बिरनी चली चाल है और अपनी खातरदारी हो जा। तो नहीं बोला भाई सेठ ने कहो बींद का बाप ने। अब वो बराती आए और कहते सेठ तेरला कानिया ना तो लखो ले कित, अरा का ये जामा पजामा मोड़ शेरा सना, एक लड़का और सब उसने दे, पर फिर देख सारी बात बन जाएगी, तेरा घर बीरनी चली जाएगी लक्ष्मी का रूप, हर बरात की खातर हो जाएगी, और क्या चाहिए। बोले अभी कहाँ है, चलो हमारे साथ। अब महात्मा के आश्रम पर आए और चंद्रगुप्त बैठा देखा, सेठ कभी दूर तो ही जच गया, नहीं बोला भाई लड़का तो वास्तव में सुंदर है। तो नहीं बोला अब देर किसकी, बाबा नारायण नारायण आओ भाई। नहीं बोला बाबा रात रात खातर तेरा चेल का दे दे भाई, क्या करोगे? नहीं बोला बाबा फेरा करवाओना से। तो नहीं बोला भाई इसने तो करवाओने नहीं आवा। तो नहीं बोला करवा तो लेगा, नहीं बोला हाँ ले लेगा फेरा। तो नहीं बोला आप फेरे ले ले, बींद बन जाएगा, नहीं बोला खूब बन जाएगा। तो नहीं बोला बाबा रात रात चाहिए, ले जाओ भाई। बाबा दिहाड़ी बता दो, नहीं बोला भाई दिहाड़ी इसकी यही है कि जो नेग मिला बींद को
वो नेग इसका हर बीनी थारी अर थ्री सेवा अर दपा के जिमा दियो भाई। निमला ठीक है महाराज हमने मंजूर से।